वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन अभी जी मैं हो रही थी तैयार तो मैंने कहा कि जिस तरह से और ब्लॉगर्स बहुत सारे यूट्यूबर्स व्लागर्स वगैरह जब तैयार होते हैं तो साथ में शूट भी करते हैं और सब कुछ शेयर करते हैं मुझे पर्सनली उन्हें देखना बहुत पसंद है तो मैंने सोचा आज मैं भी ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ आई थिंक ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो होगी बट खैर इट्स गोइंग टू बी वेरी फन और यहाँ पे वॉशरूम में बहुत गर्मी थी लेकिन मैंने कहा भाई मैंने वीडियो तो बनानी ही है तो जी स्टार्ट करते हैं अभी है सुबह का टाइम और अभी अभी मैं नींद से उठी हूँ सिंपली घर का है मेरा ड्रेस है जो कि मैं आज पहनूँगी और उसके साथ सिंपली तैयार होंगी क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जी अपना ड्रेस ये है जी मेरे आज का ड्रेस और ये मैं आज फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ तो मैंने कहा चलो इसके साथ अच्छे से तैयार हो जाते हैं ये है जी इसकी नेक लाइन है इसके ऊपर मैंने औरगेंजा लगाया है और साथ में मैंने एक लेस लगाई हुई है ये प्रिंटेड शर्ट थी और इसका जो कलर था वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था बिल्कुल शॉकिंग पिंक कलर था आजकल मुझे शॉकिंग पिंक कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसके स्लीव्स हैं इस पे भी और गेंजा लगा है लेस लगी हुई है और साथ में प्लेट्स वगैरह है जिस तरह से बाजुओं पे है सेम उसी तरह से इसके दामन पे भी है सो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है डिज़ाइन मैंने कहीं देखा था उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया इसका जो ट्राउजर है वो वाइट चिकनकारी वाला है हर एक ड्रेस के साथ चल जाते हैं वाइट ट्राउजर्स और जी जो इसका दुबट्टा है वो प्लेन शेफून का दुबट्टा है एज आई टोल्ड यू बिफोर घर के कपड़े हैं तो मैंने ज्यादा मेहनत पे नहीं की ड्रेस को मैंने सिंपल रखने की कोशिश की है ताकि कंफर्टेबल भी हो और पहनने पे भी क्यूट लगे अपनी ड्रेस को हम यहाँ पे ठहरा देते हैं और हम अपने बेसिक काम कर लेते हैं अच्छा जी सबसे पहले हम अपने दांत ब्रश कर लेते हैं सुबह का सबसे पहला और ज़रूरी काम उसके बाद जी हम अपना माउथ वॉश भी कर लेंगे कोलगेट वाला माउथ वॉश है जो कि मैं यूज कर रही हूँ अच्छे रिजल्ट है इसके बाकी मेरे ओरल हाइजीन रूटीन पे एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है अगर आप देखना चाहे उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी माउथ वॉश यूज कर लेने के बाद हम अपना फेस वॉश यूज करेंगे यहाँ मैं यूज कर रही हूँ न्यूट्रोजीना का हाइड्रा बूस्ट फेस वॉश ये एक अच्छा फेस वॉश है अगर आप इसे यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं मेरी तरफ से रिकमेंडेड है बाकी मैंने इसका भी रिव्यू दिया हुआ है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अच्छा जी मैं फेस वॉश कम ही करती हूँ लेकिन अभी दो से तीन दिन हो चुके थे मैंने फेस वॉश नहीं किया था तो मैंने कहा आज कर ही लेती हूँ फेस वॉश करने के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है लेकिन या फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है सो या यहाँ पे वी आर डन विद अवर फेस वॉश अच्छा जी हमारे जो बेसिक काम थे वो तो हमने कर लिए है अब जल्दी से हम अपना ड्रेस चेंज करते हैं और थोड़ी बहुत तैयारी जो मैं अपने रेगुलर डेज़ में करती रहती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन उससे पहले जल्दी से हम जाते हैं और अपना ड्रेस चेंज करते हैं अच्छा जी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है अब बाल शाल खुले हैं तो इनकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं बहुत सारे लोग बालों से तंग होते हैं लेकिन मैं अपने बालों से बिल्कुल भी तंग नहीं होती हूँ चाहे जितनी भी गर्मी होती है मेरे बाल खुले रहते हैं क्योंकि मुझे बचपन से बालों को खुले रखने की आदत है और मैं बिल्कुल खुले बालों की यूज़ टू इट हो चुकी हूँ सो अब ये मुझे परेशान नहीं करते अच्छा जी आप अपने बालों की सेटिंग करके मैं अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ ये चीज़ एक बेस्ट मॉइस्चराइज़र है फॉर ड्राई फ्लैकी और बहुत ही ज़्यादा क्रैक स्किन के लिए सो आगे सर्दियाँ आने वाली है और सर्दियों में मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए मैं कहती हूँ अभी से आप स्क्रीन शूट ले लें ताकि सर्दियों में जब भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए और कोई मॉइस्चराइज़र काम ना करें तो आप इस मॉइस्चराइज़र को ले सकें इस मॉइस्चराइज़र को मैं बिल्कुल इवनली अपने फेस पर और गर्दन पर लगा लूँगी इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लेने के बाद मुझे बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होती चाहे मैंने फ़ेस वॉश भी क्यों ना किया हो फेस वॉश के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है लेकिन फिर मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ और मेरी स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज़ हो जाती है अच्छा जी वी आर डन विद अवर मॉइस्चराइज़र इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ जी टेंट मेरे पास ये माना का टेंट है ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैंने एक ही टेंट लिया था और फिर ये बहुत लंबा चला था मेरा तो मैं इसे इस्तेमाल कर रही थी अभी तक मैंने दूसरा कोई परचेज़ नहीं किया लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दूसरा परचेज़ करने की क्योंकि ये मेरा ख़त्म हो रहा है सो so, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने दूसरा कौन से ब्रांड का लेना है मैं शाइस्ता लोधी वाला भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ वो बहुत अच्छा है और ये माना वाला भी अच्छा है काफ़ी सो so, यार देखते हैं आगे मैं कौन सा लेने वाली हूँ फिलहाल तो मैं यही वाला अप्लाई करूँगी अच्छा जी अब बारी आती है आई की और मेरे पास ये आई लैश कर्लर है पिछले एक साल से मैं बहुत ज़्यादा मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे आईलेश बहुत कम हो गए हैं मैं आईलेश सीरम भी यूज़ कर रही हूँ उसका भी इन आपको रिव्यू दूंगी तो बहुत ज्यादा मस्कारा यूज करने की वजह से मेरी आईलैश जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है इसलिए आजकल जितना हो सके मैं मस्कारा को अवॉइड करती हूँ इसलिए मैं सिंपली अपनी आईलैश पे वेजल लगा के उसे इस आईलैश कर्लर से कर्व कर लेती हूँ इसके रिजल्ट मस्कारा की तरह तो नहीं होते लेकिन बहुत बेहतर हो जाते हैं आपके आईलैश इससे इसके बाद जी हम यूज़ करने वाले हैं ये लिप लाइनर जो कि मैंने बिल्कुल रिसेंटली लिया है इसका जी कलर तो बहुत अच्छा है लेकिन ये आपके लिप्स से बहुत जल्दी हट जाता है इससे मैं सिंपली अपने लिप्स को आउटलाइन करती हूँ और अंदर मैं दूसरी लिपस्टिक लगाती होती हूँ ये बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है लेकिन मैं इसे बहुत जल्द रिप्लेस करने वाली हूँ क्योंकि ये आपके लिप्स से हट जाता है बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिक नहीं है ये इसके बाद जी अंदर मैं अपने लिप्स को फिल करने वाली हूँ इस लिप ग्लॉस से ये आइसिंग की लिप ग्लॉस है और इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स है लिटरली इसे आप अगर पूरा दिन भी अपने लिप्स पे लगे रहने देंगे तो ये आपकी बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस टाइम आपने पहले पहले इसे लगाई थी ये बिल्कुल भी आपके लिप्स से नहीं उतरती है और मेरी तरफ से हंड्रेड रिकमेंडेड है ओके जी सो वी आर डन विद अवर लिप्स हमारी लिपस्टिक लग चुकी है और आ, बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है और लिप क्लॉथ तो वैसे भी लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा सूट करती है बाकी फ़ाउंडेशन वग़ैरह मैंने नहीं लगाई सिंपल टेंट वग़ैरह लगाया है जो कि अच्छा लगता है और फाउंडेशन इतनी गर्मी में लगानी भी नहीं चाहिए बाकी मेरा जो अपना स्किन टोन है वो फेयर है सो मुझे फ़ाउंडेशन की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसके बाद जी हम थोड़ी बहुत अपने नेल पेंट वगैरह लगा लेंगे और थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह जो कि नॉर्मल डीज में मैं पहनती रहती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी सो so जी वी आर डन विद आवर नेल पेंट इसके बाद जी मैं ये वाले अपने एयर पहनने वाली हूँ ये मैं पहले भी पहन चुकी हूँ लेकिन ये मेरे ड्रेस के साथ जा रहे हैं इसलिए मैं आज यही पहनूंगी सो यू कैन सी दीज आर रियली प्रिटी ये मेरे बहुत फेवरेट है और इसके बाद जी मैं पहनने वाली हूँ अपने हाथ में ये वाली घड़ी ये मुझे मेरी दोस्त ने गिफ्ट की थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अपने दूसरे हाथ में मैं अपना ये वाला बैंगल पहनने वाली हूँ ये भी मेरा फेवरेट है ये मैंने किसी ऑनलाइन पेज से मंगवाया था और ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है तो जी हमारे हाथों का हो गया अब मैं एक आधी रिंग भी पहन लेती हूँ ताकि लुक कंप्लीट हो जाए अच्छा जी तो हम तैयार हो चुके हैं यही थी हमारी आज के दिन की तैयारी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी अगर आपको नहीं पसंद आई फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपना अगला कंटेंट आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली ही बनाऊँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा खुदा हाफिज़